आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करना है। इस थ्योरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में क्या देखा था हमने, उसमें हमने देखा कि किन केमिस्ट ने इस थ्योरी को पेश किया था और इसके पास लेट क्या थे, और हमने दो एग्जांपल भी एक्सप्लेन की थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लिहाजा आज के लेक्चर को समझने के लिए पिछला लेक्चर भी फॉलो करना जरूरी है, ये पास्टुलेट को देखना जरूरी है। तो चार पास्टुलेट जो मेन थे वो क्या थे कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और उनसे न्यू ऑर्बिटल बनेंगे जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग। जितनी तादाद में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतनी ही तादाद में बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनमें से आधी तादाद बॉन्डिंग वालों की होगी, आधी तादाद एंटीबॉन्डिंग वालों की होगी। बॉन्डिंग वालों को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा और पाई से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार पाई स्टार से, ईटीसी। फिर हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सप्लेन किया था। आज हम हीलियम मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं हीलियम मॉलिक्यूल। इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे हीलियम एटम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 के 1s 2 दो एटम है, दूसरे के भी 1s। तो देख रहे हैं ये दो हीलियम एटम हो गए और ये उनके क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला 1s जिसमें 2 लिखना, 1s जिसमें 2 लिखना। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और इनसे दो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दरमियान वाले क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। बॉन्डिंग वालों को सिग्मा स्टार करेंगे, उसके एंटी बॉन्ड को सिग्मा स्टार। वही चीज होगी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले जैसे दो बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो में से एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्ड। अब आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, 4 में से 2 उसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। अब निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ इनटू डिफरेंस इन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, तो ओवरऑल आगे क्या जवाब आ जाएगा, 0, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो इट मींस हीलियम का मॉलिक्यूल कैन नॉट बी फॉर, या हीलियम मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। हीलियम का मॉलिक्यूल कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0 आता है। उसकी वजह हीलियम चूंकि नोबल गैस है, नोबल गैसों के शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो नोबल गैसों के एटम अलग-अलग रहते हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। इसी तरह अगर हम नियॉन की मिसाल लेंगे तो नियॉन का मॉलिक्यूल भी हीलियम की तरह अनस्टेबल होगा, उसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 है। अब आ रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस टॉपिक में थे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं इम्तिहानी नुक्ता नजर के हिसाब से। तो ऑक्सीजन को हमने एक्सप्लेन किया था, आज हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। उसके लिए पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 7 एटॉमिक नंबर है, जैसे मैं 1s2 2s2 2px1 y1 z1 दूसरे एटम के भी उसी तरीके से। तो आनी 7 एटॉमिक नंबर है पहले सेल में, 2 दूसरे सेल में, 5 हमेशा बॉन्डिंग में आखिरी सेल के एटॉम इस सेल में जो 5 है, 1 2 3 4 और 5 यहां तक रहेंगे, ठीक है। उस थ्योरी के मुताबिक हां ये ऑर्बिटल जो सिमिलर होंगे वो आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी कि 2s वाला 2s के साथ, 2px वाला 2px के साथ, 2py वाला 2py के साथ। इस तरीके से तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ ये वाले जो ऑर्बिटल हैं
हाँ जी, एक नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन का भी 2s एटम में कार्बन ये मिल रहा है। हाँ जी, एक नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या है 2s एटम में कार्बन, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, दो दो मौजूद हैं। तो देख रहे हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं और इनसे दो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग वाला ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वालों को सिग्मा से जाहिर किया जाएगा और एंटी बॉन्डिंग को कैसे जाहिर करेंगे सिग्मा स्टार से जाहिर करेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो दो बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनमें एक बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाला, जैसे ऑक्सीजन की डायग्राम बनाई थी ये वही डायग्राम। आप आ जाएंगे इस नाइट्रोजन के ये वाले तीन पी ऑर्बिटल हैं 2px py और pz, ये वाले 2px 2py 2pz तीनों इलेक्ट्रॉन एक के हैं। दूसरे नाइट्रोजन के भी ये वाले तीन पी ऑर्बिटल हैं 2px 2py 2pz, ये वाले वो तीन पी ऑर्बिटल्स हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन एक के हैं। तो यहां देखो तीन और तीन छह, छह एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और उनसे छह बन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब छह में से तीन बॉन्डिंग होंगे, इस लाइन से नीचे वाले क्या होंगे बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग वालों की एनर्जी दो होती है, और तीन एंटी बॉन्डिंग होंगे वो ऊपर से ले जाएंगे, तीन बॉन्डिंग है और तीन एंटी बॉन्डिंग। और एक का हमने पढ़ा था पासलेट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इकट्ठे आ जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी बराबर एनर्जी होगी। तो पी वाई और पी जेड जब भी ओवरलैपिंग करेंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे और उनसे बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी बराबर होगी। कौन से हैं, हाँ जी ये पाई टू पी है पाई टू पी जेड, इसे ऊपर वाला क्या है सिग्मा टू पी है, उन से ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए पाई स्टार टू पी वाले पाई स्टार टू पी जेड, सबसे हाईएस्ट किसकी है सिग्मा स्टार टू पी एक्स। अब फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन कितने तीन और तीन छह, छह में से दो इसमें आ जाएंगे दो इसमें आ जाएंगे दो इसमें आ जाएंगे पूरे हो गए और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग वाले क्या हैं खाली रह जाएंगे। आप निकालेंगे इसका बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है हाफ इनटू हाँ ये डिफरेंस इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिक्स और एंटी बॉन्डिंग जीरो है, ओवरऑल जवाब कितना है तीन। इट मीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ट्रिपल कोवलेंट, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम के बीच ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है यानी 941 किलो जूल पर मोल, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे इतना एनर्जी इवॉल्व होगी, अगर बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे सेम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डायग्राम बनाने हैं बॉन्ड ऑर्डरिंग का। आप आ जाएंगे कल आपने पढ़ा था ऑक्सीजन के डायग्राम में कि मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं पैरा मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो हम देखा था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक उसको कहा था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाए और जिसमें कोई अनपेयर्ड नहीं होगा उसको डायमैग्नेटिक कहा जाएगा। तो आज नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है डायमैग्नेटिक इन नेचर है बिकॉज There is no unpaired electron in the molecular orbital. देख रहे हैं ये बहुत सारे molecular orbital हैं, यहाँ भी paired हैं, यहाँ भी paired हैं, ये वैसे खाली हैं। तो कहीं भी हमें unpaired electron नजर नहीं आ रहा in molecular orbital, लिहाजा nitrogen molecule क्या है diamagnetic in nature है। ताहम यानी N2 minus 2 क्या होगा पैरामैग्नेटिक माइनस टू चार बता रहा है इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये तो मुकम्मल फेल है, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहां नहीं डालेंगे हां ये दो इलेक्ट्रॉन एक इसमें आएगा एक इसमें, तो जो दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो यूं भी नहीं हो सकता कि दोनों को एक ही में डाल नहीं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है लिहाजा दो इलेक्ट्रॉन तो हम डाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला जाएगा एक इसमें डाला जाएगा अनपेयर्ड होंगे ये क्या बन जाएगा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा और इसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह N2+2 फिर डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि प्लस टू बता रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे
रिमूव कहां से होंगे, यहां से रिमूव होंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, तो फिर भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। इस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फिर बताओगे कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक इन नेचर है। आप आ रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर कंपैरिजन करें तो उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्डर डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या? ऑक्सीजन के डायग्राम जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा उसमें क्या था, सिग्मा 2px यहां नीचे था और पाई 2py पाई के ब्लड ऊपर थे, मगर नाइट्रोजन के केस में सिग्मा 2px की एनर्जी हाई हो गई है एज कंपेयर टू पाई 2py पाई 2pz। रीजन क्या है? रीजन ये है, जो एनर्जी जा रही है पाई 2py पाई 2pz, एन की एनर्जी जो ऑक्सीजन की डायग्राम में एनर्जी होगी, नाइट्रोजन में भी एन की एनर्जी बहेगी, वही है सेम है, यानी सेम पोजीशन पर ये ठहरा हुआ है, मगर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px इन चार की एनर्जी चेंज हो जाती है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। असल में ये दो 2s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और ये वाले दो 2px ऑर्बिटल ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2s और 2s 2px और 2px टोटल कितने हो गए, चार। ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इस तरह हाइब्रिडाइज होंगे कि इनसे चार बन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन कौन से होंगे वो चार, कौन कौन से होंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px, चार ये बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px, जबकि ये वाले पार्टी स्क्वायर नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, लिहाजा एन की एनर्जी जो यहां पर है ऑक्सीजन में भी वही है सेम एनर्जी है। ये वाले चार जब मिक्स होंगे आपस में, ये वाले चार तो चार बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन कौन से, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px। तो इन दो से जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कौन से हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। कौन कौन से यहां दोबारा लिख रहे हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, इनसे मिलने से दो जो बनेंगे कौन से हैं, वो सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px। तीसरा मिलेंगे कि इनकी एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। नीचे वाले डायग्राम अगर पहले ऑक्सीजन में ये डायग्राम थोड़ी सी अभाव थी, ये ऊपर आ गई, ये यहां पर आ जाएगा, ये वाला ऊपर, नाइट्रोजन में ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज, इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और उतना इनकी एनर्जी इनक्रीज, क्यों इनक्रीज होगी, कि सिग्मा जो 2px है वो यहां से यहां तक ड्राइव कर रहा है, जबकि ये वही का वही ठहरे हुए हैं जैसे ऑक्सीजन में पोजीशन होती है, तो ये राइज कर जाएगा और जो सिग्मा 2px है ये और ज्यादा राइज कर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के डायग्राम में, सिर्फ ऑक्सीजन में सिग्मा 2px यहां था, नाइट्रोजन में यहां से यहां चला गया। तो मैंने कहा इस टॉपिक में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के डायग्राम बहुत अहम है, पेपर में आ सकता है एक्सप्लेन करें, हाँ जी, विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के क्या, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर और नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो आप इस तरीके से डायग्राम बनानी है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फिर बताना है कि पैरा
हिसाब में इसको एक्सप्लेन कर देता है। थैंक यू।